भाजपा सरकार पर प्रदेश भर में लाखों करोड़ों रुपए लागत की मंजूरशुदा विकास परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विकास के नाम पर चार साल में एक भी नई परियोजना मंजूर नहीं हुई है और प्रदेश के विकास को तले पर ले जाने का काम भाजपा ने किया है। जो प्रदेश देश में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जाना जाता था, वह आज अपराध, गैंगरेप और जानमाल के नुकसान के मामले में देश में सबसे आगे हो गया है। वे शनिवार को गांव मोखरा में जनसभा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रदेश के हालात ऐसे हो गए हैं कि समाज का हर वर्ग परेशान है और सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हो गया है। इन परिस्थितियों में अब समय आ गया है जब हमें प्रदेश को दोबारा भाईचारे और विकास के पथ पर लेकर आने का संकल्प लेना होगा और इस भ्रष्ट, जन विरोधी तथा संवेदनहीन सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लगभग 5 साल चुनाव के बाद के कार्यकाल था, वो सरकार का लगभग पूरा हो गया, केंद्र सरकार का, और लगभग 4.25 साल प्रदेश सरकार के भी होने आए हैं। तो आज ऐसे मौके पे मोखरा गांव में जो सरकार की ये पूरी तरह विफल सरकार रही है, उन बातों को लेके लोगों के बीच में अपनी बात रखी। ये सरकार बड़े भारी हुकूमत के साथ, बड़े भारी वायदों के साथ आई थी, मगर पूरी तरीके से हरियाणा प्रदेश का बट्ठा बिठाने का इन्होंने काम किया है। हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, गरीब आदमी हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार के कार्यशैली से संतुष्ट हो। और प्रदेश को खुशहाली, विकास, भाईचारे की पटरी से उतारने का अगर उपलब्धि है तो एक ये उपलब्धि सरकार की है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज जो मोखरा गांव में लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, जो आपने देखा, जो इतना समर्थन मिला, उससे एक बात स्पष्ट होकर नज़र आ रही है और पूरे प्रदेश में, कि आने वाला समय जो है में लोग इस सरकार को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हरियाणा को दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी में पार्टी ही हरियाणा को दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ लेके जा सकती है। तो आज इस बात को लेके जो हमारी एक पीरियोडिक मीटिंग्स होती है, आज ये मीटिंग यहाँ पे मोखरा गांव में थी। मोखरा गांव के सभी 36 बिरादरी का हम बहुत बहुत जो है बधाई देते हैं कि आज इतना जो अच्छा कार्यक्रम मोखरा गांव में था। अभी आप 5 राज्यों के चुनाव को देख रहे हैं, आपकी ड्यूटियाँ लगी हैं, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? मैं समझता हूँ कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में दो राज्यों में जाने का मौका मिला और तेलंगाना में भी बीच में एक दिन जाने का मौका मिला। तीनों राज्यों में बहुत ही अच्छा माहौल है जो है, तो इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि पांचों प्रदेशों के अंदर कांग्रेस पार्टी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हमारे साथ लगता है क्योंकि राजस्थान है और हर तरीके से मेल खाता है हमारा कल्चर और जो है सारा, तो राजस्थान का मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट एक हमें अंदाज़ा रहता है। राजस्थान में तो एक बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है और जो कि आने वाले समय की देश की राजनीति को निर्णायक तरह से मोड़ने का काम करेगा, ऐसा बहुमत राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ऐसे बहुमत की तरफ अग्रसर है। जो मॉडल राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो अपनाया गया है कि वो किसी चेहरे को नहीं लेके आई है कांग्रेस, किसी तरह का मॉडल हरियाणा में भी हो सकता है? ये मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर सही समय पर, आज आपने देखा होगा हुड्डा साहब का जो इंटरव्यू दिया है, सही समय पर हरियाणा का फैसला, कांग्रेस पार्टी जन भावनाओं के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सही समय पर करेगा, ऐसा हमें हमारा पूरा विश्वास है और पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ हरियाणा के अंदर आपको इस चुनाव के अंदर हरियाणा से जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए और दोबारा से कांग्रेस को लाने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुटता से नजर आए। जन क्रांति यात्रा का मैसेज कैसा रहा लोगों के बीच? जन क्रांति यात्रा प्रदेश के कोने कोने में हुई और आपने देखा कि अभी तक प्रदेश के जो ऐसे कोने थे जहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि कहीं किसी ऐसी ऐसी जगह जहाँ कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, ऐसी सी जगह भी हुई और हर जगह लोगों का बड़ा अच्छा रुझान देखने को मिला है। और अब बरवाला में 25 नवंबर को जन क्रांति यात्रा का अगला पड़ाव और 8वां पड़ाव बरवाला में 25 को होगा और जिसमें मैं समझता हूँ कि जो है लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे। मैम को ये माना जाता है कि राजनीतिक दिशा और दिशा में तय करता है, अभी तक जन क्रांति यात्रा पर कोई भी पड़ाव यहाँ से होकर नहीं गुजरा, तो कब तक उम्मीद करेंगे? ये अभी रोहतक जिला, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गृह जिला भी है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि पहले बाकी जगह करके आखिर में यहाँ जन क्रांति यात्रा जो चुनाव के नज़दीक मैं समझता हूँ ऐसा कार्यक्रम बनाया गया।